पानी भरे जाई जाई तुम्हारी तो मुआ क्यों सुन रहा भैया सरकार ही खातिर तो कानून पास के लिए भैया सभी लोगों ने सरकार को यहां तलाश से पानी पीने के लिए बहुत बढ़िया बात है भैया एक गांव वालों को बताओ जरूरत हां भैया चलो बताओ जाए मोतिया ए बेटा मोती आवाज है माइक देखा कभी बुजुर्ग की शादी में आप बाबू की प्यास लगत बा पानी तो खत्म हो गया माई हम बगल की कुआं से लेकर आए थे अरे ई का कहा तारा बेटा कुआं तो हुआ नहीं तो की कुआं का तो हम मार के इतनी हम सोखा नहीं बचा का हो ये छूट तोला तो मोतिया रह ई साला छूट इधर क्या करने आ रहा अरे नीच तो हिम्मत कैसे भई ले रहा वक मालक पानी ले रहे आए अरे ई तो का ये छूट तो लाए अपनी औकात भूल गई बा अब ये छूट हमारे कुआं का पानी लेगा मालिक हमने भैया लोग के मुंह से सुनो है कि सरकार ने कानून बना तो हम भी देखो देखो ये जूता आज कबड़ी की बाबरी करता है सरकार कानून का बना दी इस हानि से तू हम लोग की बाबरी करे हम लोग भाई मरो नहीं 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 लेकिन व्यवहारिक स्तर पर पूरे महाराष्ट्र में यह कानून लागू नहीं हो पाया था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो स्वयं इतने पढ़े लिखे थे वो भी उस समाज में काफी भेदभाव का शिकार होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि बाबा साहेब के जीवन में क्या संघर्ष होते हैं, वो किस प्रकार से भेदभाव का सामना करते हैं। पुरंदरे स्टाफ सर्जरी वाली फाइल दीजिएगा। ओए सुनो पानी लेके आओ। जी जी साहब पुरंदरे इसमें भी पानी दीजिए। आपने सुना नहीं इसमें भी पानी दीजिए। पानी नहीं है। अरे खुशबू क्या है? मैंने कहा ना पानी नहीं है। देखो तुम बड़े अफसर भले ही हो लेकिन इस पानी को छू नहीं सकते। अगर ये बात सरकार को पता चली तो? हाँ हाँ जाओ कह दो, हम डरते हैं क्या? ये हमारे धर्म का मामला है। अगर सरकार तुम्हें पानी पिलाना चाहती है तो खुद आके पिलाए, लेकिन हम तुम्हें इस पानी को छूने नहीं देंगे। वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, वो नौकरी पे रख सकती है तुम जैसे गंदे छूतों को। अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम अपना पानी घर से लेके आया करो। तो क्या हुआ साहब कुछ नहीं।
क्या बताऊं रमा, कहने को तो आज हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी उनके खेतों में घर खाएं हम, फसल उगाए हम, उनके मरे जानवरों को दफनाए हम, लेकिन फिर भी हमारे हिस्से में वही सड़ा गला मांस ही आता है। हमारे लोगों की जिंदगी तो जानवरों की जिंदगी से नहीं बदतर। जानवर जहाँ से चाहें वहाँ से पानी तो पी सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को तो यह भी अधिकार नहीं। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, वो सोचते हमें अपने पैर की भूति नहीं है। सरकारें कानून बनाती हैं मगर वो कानून भाइयों का किस्मत कर रह जाता। यह अछूत प्रथा हमारे समाज में जानलेवा बीमारी की तरह रख कर गई है। लेकिन रमा, जानलेवा बीमारियों का इलाज और सख्ती से करना पड़ता है। हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए और मुखरता से लड़ेंगे, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जगाएंगे, ताकि उनको एहसास दिला सकें कि वो भी इंसान है और उनको भी सार्वजनिक स्तरों और इस व्यवस्था में उतना ही अधिकार है जितना सवर्णों। इसके लिए हम लड़ेंगे रमा, हम लड़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर सुधार यही है जी। कहिए डॉक्टर अम्बेडकर। मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पत्र आया है। रमा, यह महार में आयोजित अछूतों के अधिकारों के लिए एक परिषद का पत्र है, उसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलावा आया है। रमा, खुशी की बात है। हाँ रमा, यह तो बहुत खुशी की बात है। इस प्रकार महार में जो वहाँ के लोग थे वो एक परिषद का आयोजन करते हैं और उस परिषद ने बाबा साहब को अध्यक्ष के तौर पर बुलाते हैं और इस सम्मेलन में 15 वर्ष के बच्चों से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्गों तक और भारी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। सब लोग अपने कंधे पर मान और स्वाभिमान फैलाते हैं। मेरी दूसरी अपील आप सभी समन्वय साथियों से है कि आप आज से अछूतों को उनके अधिकारों को देने के लिए लड़ेंगे और साथियों, आप सभी अछूत छात्रों को मदद करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे और उनके उन्नति में सहायक होंगे। मेरी तीसरी अपील सरकार से है कि सरकार कानून बनाकर सड़ा हुआ मांस, सड़ा गला मांस खाने से रोके। मन निषेध कानून बनाकर मत का चलो भीड़ के लिए आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए भाइयों।